DSU इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारा विजन शुरू से रहा है दैट इज़ टू यूज सिस्टमैटिक अप्रोच इन आवर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द प्लग एंड प्ले अप्रोच वी गो विद द प्रॉपर इंजीनियरिंग अप्रोच. और यही चीज़ हम अपने स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट कराते आए हैं. माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड्स कंट्रोल सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन. सो जिस सिस्टमेटिक अप्रोच की हम बात कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे भी इस प्रोजेक्ट में नज़र आएगा जो कि हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ने बनाया. इट इज़ एक्चुअली कंट्रोल डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वर्टेड पेंडुलम ऑन अ कार्ट. ये इसमें हमारे स्टूडेंट्स ने सिस्टमेटिक अप्रोच को यूज़ करते हुए सक्सेसफुली इस अनस्टेबल सिस्टम को स्टेबलाइज किया. एंड इनकी ये सिस्टमेटिक अप्रोच ही थी जिसकी वजह से उन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हुई और हमारे स्टूडेंट्स दे वर सक्सेसफुल इन एक्चुअली पब्लिशिंग देयर वर्क इन एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन मलेशिया. तो ये सिस्टम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो बेसिकली दिस इज इनहेरेंटली एन अनस्टेबल सिस्टम. सो इफ़ यू हैव अ लुक दिस इज एक्चुअली द पेंडुलम एंड एट दिस पॉइंट दिस इज इनहेरेंटली अनस्टेबल. सो कंट्रोल हैज़ टू बी अप्लाइड सो दैट दिस रिमेन्स स्टेबलाइज. सो व्हेन इट कम्स टू सिस्टमैटिक अप्रोच टू दिस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम तो सबसे पहले हमें इसकी मॉडलिंग करनी होती है और उसके लिए हमने इस पूरे इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम को सक्सेसफुली मैथमेटिकली मॉडल किया और एक नॉन लीनियर डायनामिक मॉडल हमने इसका डिराइव किया. एंड आफ्टर दैट नॉन लीनियर मॉडल अप्रोचेज हैव बीन यूज्ड टू लीनियराइज दिस सिस्टम एंड टू मेक दिस सिस्टम यूजेबल एट दिस लेवल. क्योंकि हम नॉन लीनियर सिस्टम और नॉन लीनियर कंट्रोल अप्रोचेज की तरफ नहीं आए. वी हैव यूज PID कंट्रोल सो दैट दिस सिस्टम कैन बी स्टेबलाइज. जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने PID की कंप्लीट वर्किंग की है और पैरामीटर्स हैव नॉट जस्ट बीन ट्यून्ड, इनफैक्ट दे हैव बीन डिराइव्ड मैथमेटिकली. एंड दिस कैन ऑल्सो बी सीन in the results if you have a look that when the system is without the control parameters the system is unstable. Aap dekh sakte hain ki jo states hain they are not approaching to zero and once the PID parameters have been fed into the system now the system is stabilized and you can see the trajectory is going to zero. So modeling and analysis ke baad jo hamara agla step tha wo actually iske upar practical control apply karna is practical system ke upar hai. For that we have used different sensors, for instance the incremental encoder और अल्ट्रासोनिक सेंसर, ताकि हम जो हमारी स्टेट्स हैं जिनमें एंगल है, पोजीशन है, इनको हम मेजर कर सकें. एंड ऑल दिस डेटा फ्रॉम द सेंसर इज देन फेड इनटू द MyRIO. MyRIO इज एक्चुअली वर्किंग एज द कंट्रोलर. और MyRIO के साथ साथ हमने क्या किया कि MyRIO को हम कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू LabVIEW HMI. आप देख सकते हैं कंप्लीट HMI बनी हुई है जिसमें आप PID के जितनी भी पैरामीटर्स हैं उनको आप फीड कर सकते हैं. एंड देन यू कैन सी ऑन द रन टाइम कि हाउ द सिस्टम इज एक्चुअली बिहेविंग, वेदर आपके पास इस वक्त जो है पेंडुलम स्टेबल पोजीशन में या अनस्टेबल पोजीशन में है. Now this systematic approach can also be seen in our next project which is on facial recognition. Basically इस project के अंदर जो हमारे पास issue है that is an issue which is being faced all across Pakistan and all across the world. So if you talk about the attendance system, this is basically a manual system. जब भी आपको attendance लेनी होती है तो it takes some time. Even with tools like the LMS you still need a person who is going to call the names. And this process sometimes takes a lot of time and at times this also may lead to some errors. So जो problem statement यहाँ discuss की गई इसका solution हमने propose किया in one of our final year projects which has been done in the Department of Electrical Engineering. And alhamdulillah जो solutions हमारे students ने यहाँ पर propose किए हैं those have been accepted at both international level and national level as well. The project was presented in an international conference in Malaysia, an IEEE conference. और साथ साथ international competition, hardware competition में भी हमारा project successfully तमाम stages clear कर चुका है. And that competition is TechnoFest 20 which is one of the largest technical events in the world. And this project will be presented this month in TechnoFest 20. At national level, we were able to get funding from federal agency Ignite, alhamdulillah. And apart from that, it was also presented, the business idea was also presented, was pitched in startup.pk. So, यहाँ पे हमने basically दो different solutions propose किए हैं, जिनमें से पहला है PCA based face recognition. PCA के अंदर हमारे पास जो analysis का जो तरीका है, जो feature extraction का जो procedure है,
इसके अंदर बेसिकली हम करते ये कि जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनको यूज़ करते हुए इंटायर डेटा सेट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. सो द फीचर सेट इज़ एक्चुअली अ सेट ऑफ वैल्यूएबल आइगन वेक्टर्स विच आर कॉल्ड आइगन फेसेस. And the classifier that has been used is actually a Euclidean based classifier जो ensure करता है कि minimum distance between the test image and the images in the training set उनमें से जो भी minimum distance हो that is considered as a successful result. हमने different test किए हैं जिसके अंदर हमने पहले दो different data set use किए हैं. One is actually from the ATMT while the other is from the DHS Ufa University and alhamdulillah successful results have been obtained as you can see here. तो जो दूसरी अप्रोच हमने यूज़ की है दैट इज़ बेस्ड ऑन डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क जिसके अंदर हमने बेसिकली CNN को यूज़ किया, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि हम यहाँ पे फेस डिटेक्शन भी कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम फेस रिकॉग्निशन एंड फॉर दैट वी हैव बेसिकली यूज्ड हॉक फीचर्स. ठीक है, हॉक को यूज़ करके हमने अपने फेसेस को डिटेक्ट किया है. ऑल्दो हम यहाँ पे हार कैस्केड्स भी यूज़ कर सकते हैं बट वी हैव यूज्ड हॉक फीचर्स हियर. And then 128D embeddings have been generated for each image जो basically triple toss function को use करते हुए system को train कराएगा. And once that system has been trained, it has learned from the data. उसके बाद हमने जो classifier use किया that is again based on KNN. ठीक है, KNN use करने के बाद फिर उसके बाद once the image has been detected, that image is considered as a successful result. And साथ साथ जिसका face हमारे पास student का detect होता है वो साथ साथ via email result के जरिए students को inform भी कर दिया जाता है. यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास successful results we have achieved. यहाँ पे हमने data set जो use किए हैं वो दो data set हैं जिनमें से एक हमने locally DHS Ufa के अंदर ही generate किया था. इस data set के अंदर ज़्यादा variation एंड deep learning में जो advantage हमें मिल रहा है वो ये कि हम ज़्यादा variations को भी cover कर सकते हैं जो हमारे पास PCA में नहीं था. आप देख सकते हैं कि डिफरेंट रिजल्ट्स जो आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि तमाम के अंदर सक्सेसफुल आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वंस थ्रेशोल्डिंग हैज़ बीन डन प्रॉपरली. द हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली डन ऑन रेसबरी पाई एंड साथ साथ हम स्टूडेंट्स को ईमेल भी कर रहे हैं आफ्टर द सक्सेसफुल रिजल्ट्स ऑफ अटेंडेंस.